दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो में मैं करने वाला हूँ ये Redmi 9 Prime की अनबॉक्सिंग और देने वाला हूँ अपना फुल रिव्यू और मेरे को क्यों लगता है ये बेस्ट बजट स्मार्टफोन होने वाला है। तो ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, कुछ भी मिस मत करना। तो मेरा नाम है हरजोत सिंह और आप देख रहे हैं सुपर सिंह। दोस्तों पहले ये फुल रिव्यू करने से पहले जाके मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो देखिए जो मैंने ऑलमोस्ट 3-4 दिन पहले करा था, तो वो देख के फिर से हम फुल रिव्यू करते हैं। तो दोस्तों अभी करते हैं हम ये अनबॉक्सिंग Redmi 9 Prime की, जहाँ पे यहाँ पे लिखे से आपको इंडिया नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड, MI की लोगो, थोड़े स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड में आपको Redmi 9 Prime लिखा हुआ मिलता है, राइट भी सेम है। और पीछे की तरफ हम बात करते हैं तो हमको मिलता है Redmi 9 Prime और इसमें आपको थोड़े की स्पेसिफिकेशन जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों जो मैंने वेरिएंट लिया है वो है सनराइज फ्लेयर कलर और 4GB 64GB वाला वेरिएंट है, जो ये आपको ऑलमोस्ट 999 रुपीज़ में आता है। तो चलिए खोलते और मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसमें क्या क्या मिल जाता है। तो आपको ये सब देखने मिलता है, जहाँ पे हम फर्स्ट बात करते हैं कि हमको क्या क्या इसमें मिलता है। तो आपको इसमें सिम इजेक्ट टूल मिलेगा, इसके साथ आपको इसमें एक अच्छा केस मिलेगा, प्लस इसके साथ आपको इसमें थोड़े डॉक्यूमेंटेशन दिखते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन को साइड रखते हुए हम देखते हैं ये कौन सा केस मिलता है। तो आपको इसमें एक ट्रांसपेरेंट TPU केस मिलता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का लग रहा है। तो इसको भी साइड रखते हुए हमको और इसमें आपको मिल जाएगा वो है एक 10W का नॉर्मल चार्जर मिलता है, फास्ट चार्जर इसमें आपको नहीं मिलता है। पर दोस्तों आपको ये जो डिवाइस है ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसके साथ आपको दोस्तों ये कवर आया था वो फट गया, तो आपको इसमें टाइप सी पोर्ट मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अब ये सब को साइड में रखते हुए हम बात करते हैं हमारे स्मार्टफोन के बारे में, जो है Redmi 9 Prime। तो दोस्तों ये है सनराइज फ्लेयर कलर, मतलब मैंने ये जो कलर लिया इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो है कि आपको जो इसमें ड्यूल टोन मिलता है। और प्लस दोस्तों आपको ये फ़ोन कैसे दिखता है केस में वो भी बताता हूँ। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, एक अच्छा ट्रांसपेरेंट केस दिया हुआ है जो मेरे हिसाब से अच्छा है, क्योंकि आपके जो पीछे का डिज़ाइन है वो एनहेंस होके आता है। अगर कोई कलर देते, कोई स्मोकी ब्लैक देते तो ये नहीं दिखता, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है और मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा केस है। और इसके साथ आपको इसमें देख सकते हैं आपको प्रोटेक्शन भी मिल रहा है टाइप सी का चार्जिंग के लिए, तो ये भी मेरे को एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ लगी। के फर्स्ट इम्प्रेशंस की पकड़ने में, हैवीनेस में, तो दोस्तों ये ऑलमोस्ट आपको 201 ग्राम का आता है। और दोस्तों ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा थोड़ा बहुत स्लिम लगा, मतलब अगर मैं दूसरे स्मार्टफोन से कंपेयर करूँ Redmi के ही, जैसे Note 9 Pro Max जो मैंने रिव्यू करा था, तो आपको आई बटन में लिंक आ रहा होगा। और तो ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा स्लिम लगा, प्लस मेरे को जो इसका डिज़ाइन है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। अभी बात करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू में, और आपको जो फिंगरप्रिंट्स दिख रहे हैं वो मैंने थोड़ा बहुत यूज करा था चेक करने के लिए कि मुझे डिफेक्टिव पीस आया या नहीं। तो दोस्तों आपको ये जो सनराइज फ्लेयर है इसके फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात करें, तो आपको पीछे एक क्वाड कैमरा देखने मिलता है, यहाँ पे 3 कैमरा, यहाँ पे एक कैमरा, एक LED फ्लैश और फिंगरप्रिंट सेंसर यह आपको देखने मिलता है। इसके साथ आपको Redmi की ब्रांडिंग देखने मिलेंगी। सामने की तरफ आपको एक मिनी ड्रॉप लेट फुल स्क्रीन मिलता है और लेफ्ट साइड में आपको एक सिम ट्रे मिलता है, जो एक ट्रिपल सिम ट्रे जहाँ पे आपको डेडिकेटेड SD स्लॉट के साथ आता है। ऊपर की तरफ आपको आयर ब्लास्टर देखने मिलता है, नीचे की तरफ आपको ऑक्स केबल, उसके बाद जो माइक प्राइमरी सेकेंडरी दोनों, टाइप सी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल मिलता है, और राइट साइड में आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स देखने मिलता है। तो दोस्तों ये था एक फिजिकल अनबॉक्सिंग और ये फ़ोन का फिजिकल ओवरव्यू और एक आपको ओवरव्यू। तो अभी दोस्तों करते हैं ये फ़ोन की फुल रिव्यू, जहाँ पे फर्स्ट हम बात करते हैं ये फ़ोन की डिज़ाइन के बारे में, जहाँ पे मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आया वो है इसका ड्यूल टोन कलर जो मैंने लिया है, वो है एक सनराइज फ्लेयर कलर, जहाँ पे मेरे को जो ड्यूल टोन कलर है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और इसके मेरे को थोड़ा बहुत प्रीमियम फील भी दे रहा था। और दोस्तों ये जो
स्मार्टफोन है, इसमें आपको 3D कर्व्ड बॉडी मिलेंगी जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन को आराम से पकड़ पाएंगे, अच्छा ग्रिप पकड़ पाएंगे अगर इनके साथ केस यूज़ नहीं करते हो। बात करें ये मटेरियल की तो क्वालिटी प्लास्टिक का यूज़ किया गया, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन आता है अगर अंडर 10,000 रुपीज़ में देखा गया तो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं ये फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में। मतलब दोस्तों मतलब अंडर 10,000 में इसमें आपको 6.5 इंच की FHD+ डिस्प्ले देखने मिलती है। इसमें आपको कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 तक की भी प्रोटेक्शन मिलती है। दोस्तों इसमें FHD+ डिस्प्ले एक अंडर 10,000 में काफ़ी कम फोन्स में मिलते हैं। और दोस्तों ये जो डिस्प्ले क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, कलर सैचुरेशन है जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ब्राइटनेस की भी बात करें तो आप आराम से डे लाइट में भी इसको आराम से इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों ये जो फ़ोन है इसमें आप आराम से 1080 पिक्सल्स तक की वीडियो देख पाएंगे और काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले मुझे लगा। मिनी ड्रॉप डिज़ाइन के साथ आता है जो मेरे हिसाब से ऑफकोर्स थोड़ा बहुत आउटडेटेड है, लेकिन अगर आप इसके प्राइस के हिसाब से बात करें तो काफ़ी मेरे को बढ़िया चीज़ लगी डिस्प्ले में। बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में दोस्तों, तो मतलब आपको इसमें 5020 mAh की बैटरी देखने मिलती है। मतलब एक अच्छा खासा बैटरी बैकअप देखने मिलेगा। मतलब अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो आपको आराम से 1 से 1.5 डे तो आराम से चल जाएगा एक सिंगल चार्ज में। लेकिन अगर आप मेरे जैसे थोड़ा बहुत हैवी यूज़र हो, थोड़ा बहुत नॉर्मल यूज़ करते हो, इसके साथ थोड़े गेम्स खेलना पसंद करते हो तो आपको आराम से एक दिन तक तो आराम से चल ही जाएगा। काफ़ी बढ़िया बैटरी बैकअप देखने मिली। और इसके साथ दोस्तों आपको ये जो फ़ोन है ये 18W तक का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, पर आपको बॉक्स में सिर्फ एक 10W का नॉर्मल चार्जर देखने मिलता है। तो अगर आप बाहर से ले सकते हो कुछ अंडर 300 या 400 आपको मिल जाता है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लेंगे, आपको फास्ट चार्ज भी इसमें देखने मिलता है। एक अच्छी बात है कि इसमें आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है तो थोड़ा बहुत आपको फास्ट चार्ज नॉर्मल फ़ोन से कंपेयर करें तो थोड़ा बहुत जल्दी चार्ज मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके परफॉर्मेंस के बारे में, इसके प्रोसेसर के बारे में। जो दोस्तों मतलब इसमें आपको MediaTek Helio G80 प्रोसेसर देखने मिलता है। मतलब G80 का मतलब ये गेमिंग प्रोसेसर है, एक बजट गेमिंग प्रोसेसर कहना चाहिए। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भाई आजकल तो G85 प्रोसेसर आ रहा है, इसमें तो G80 है। लेकिन दोस्तों जो G85 है और G80 प्रोसेसर में आपको सिर्फ एक ही फर्क है कि इसमें आपको 950 MHz का स्पीड मिलता है G80 में, और G85 में 1000 MHz का, बस उतना ही डिफरेंस है। आपको जो भी परफॉर्मेंस मिलेगा ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलेगा, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। और जब मैंने भी यूज़ करा, जैसे कि मैंने थोड़े बहुत गेम्स खेला जैसे कि COD और ऐसे आप जो भी हाई बहुत ही ज़्यादा हाई एंड गेम्स है आप मीडियम ग्राफिक्स में खेल सकते हैं, और जो भी नॉर्मल गेम्स है तो आप आराम से हाई ग्राफिक्स में खेल सकते हैं। फ्री फायर ले लीजिए या एसवल्ट 8 ले लीजिए तो आप एकदम हाई ग्राफिक्स में एकदम स्मूथली आपको ये फ़ोन में देखने मिलेगा। मतलब मेरे को मतलब वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लगा जब मेरे को अंडर 10,000 में ऐसा प्रोसेसर मिल रहा है, ऐसा परफॉर्मेंस मिल रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ही मिला। और इसके साथ बात करते हैं इसके सबसे हाईलाइट चीज़ है, वो है क्वाड कैमरा। दोस्तों मतलब अंडर 10,000 में मेरे हिसाब से मैंने जो भी फ़ोन सर्च करे थे मेरे को यही फ़ोन में क्वाड कैमरा सेटअप देखने मिला। अगर अच्छी कंपनी जैसे सैमसंग, रियलमी या रेडमी की बात करें तो, और उसमें भी वो भी जो डिज़ाइन लगा मेरे को ये फ़ोन का काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा, जहाँ पे आपको इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है और राइट साइड पे एक नॉर्मल कैमरा मिलता है, जहाँ पे आपको इसमें 13 MP का प्राइमरी कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5 MP का मैक्रो कैमरा और 2 MP का डेप्थ सेंसर मिलता है। दोस्तों जो मैंने कैमरा है उसके परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ तो थोड़े फोटोज, और जो दोस्तों अगर आप डे लाइट में खींच रहे या आर्टिफिशियल लाइटिंग में खींच रहे तो आपको काफ़ी अच्छा डिसेंट फोटोज आएंगे। तो मेरे को जो कैमरा है वो जो इसके प्राइस में आ रहा है तो मेरे हिसाब से मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा, क्योंकि अंडर 10,000 में क्वाड कैमरा मिलना वो भी इतने अच्छे फोटोज निकालने वाला, तो मेरे को ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। फ्रंट में आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने मिलता है। दोस्तों इसके साथ आपको इसमें पूरे सेंसर्स देखने मिलते हैं, इतना ही नहीं आपको एक एडिशनल सेंसर भी मिलता है, वो है कि IR ब्लास्टर, मतलब एक घूमता फिरता रिमोट आप अपने फ़ोन में लेके घूमते हैं, जो मेरे हिसाब से आपको ऑलमोस्ट हर एक रेडमी डिवाइस में देखने मिलता है, इसमें भी आपको देखने मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और काफ़ी बार ये भी होता है दोस्तों कि जो बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन्स होते हैं अंडर 10,000 या अंडर 11-12,000, काफ़ी थोड़े बहुत सेंसर्स मिस आउट हो जाते हैं, थोड़े बहुत सेंसर स्किप हो जाते हैं, लेकिन आपको ये रेडमी में हर एक सेंसर देखने मिलता है। बात करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर है, मतलब सिर्फ एक टच में आपको स्टार्ट हो जाता है, मतलब एक हाफ से भी कम सेकंड में ये अनलॉक हो जाता है।
तो काफी ज्यादा बढ़िया चीज है और आपको ये ऑलमोस्ट कैमरा सेटअप के नीचे ही देखने मिलता है। इसके साथ आपको फेस अनलॉक भी मिलता है जो काफी ज्यादा बढ़िया और एक्यूरेट फेस अनलॉक आपको इसमें देखने मिलता है। तो दोस्तों ये थे ये पूरे फीचर्स रेडमी 9 प्राइम के। अभी मैं बताता हूँ अपना रिव्यू, अपने हॉनेस्ट ओपिनियंस कि क्यों मुझे ये स्मार्टफोन एक बेस्ट बजट स्मार्टफोन अंडर 10,000 या 11,000 लगता है। तो बात करते हैं ये स्मार्टफोन की, तो आपको ये जो इसमें दो वेरिएंट देखने मिलता है वो है कि जो 4GB रैम है और 64GB वो आता है आपको 9999, और जो दूसरा वेरिएंट है वो 120GB आता है, वो आपको 2000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेगा, जहाँ पे आप आता है ऑलमोस्ट 12,000 रुपीज़ में। दोस्तों अगर मेरे हिसाब से अगर आप देखा गए, अगर आपको एक अच्छी डील चाहिए तो आप मेरे हिसाब से 4GB 64GB के लिए जाइए, क्योंकि वो आता है आपको 9999 रुपीज़ में। और अगर आप एक्स्ट्रा 2000 पे करें 128GB में, इससे अच्छा आप एक्सटर्नली एक एसडी कार्ड खरीद लीजिए, आपको ऑलमोस्ट 500-600 में आ जाता है और इसमें आप डाल सकते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज भी मिलेगा। और 9999 रुपीस में जो क्वालिटी भी है, जो भी इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बढ़िया एक डिसेंट है, जहां पे आप आराम से इसमें यूट्यूब वीडियो सुपर सिंह के वीडियोस आराम से देख पाएंगे। तो दोस्तों वो ये बात करते हैं रिव्यू की, तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये बेस्ट बजट स्मार्टफोन होने वाले अंडर 10,000 में, क्योंकि अगर इसके दूसरे कंपटीशन भी लिए तो आपको थोड़े में ट्रिपल कैमरा ही देखने मिलता है या थोड़े में थोड़ा प्रोसेसर कम मिलता है, लेकिन अंडर 10,000 में जो रेडमी 9 प्राइम जो आपको एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया डील मिल रहा है, जहाँ पे आपको क्वाड कैमरा देखने मिलता है, 6.5 इंच की डिस्प्ले देखने मिलती है, इसके साथ आपको इसमें एक फास्ट चार्जर मिलता है, जो डिज़ाइन है जो लुक है मेरे को काफ़ी मतलब बढ़िया चीज़ लगी। दोस्तों ये था ये पूरे वीडियो के लिए, अगर आपको ये फोन पसंद आया तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं, जाके जरूर चेकआउट करना, जरूर खरीदना। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे बढ़िया टेक वीडियो के साथ, थैंक यू।